सबके मध्य उपस्थित आदरणीय राहुल श्रीवास्तव जी, आदरणीय पवन खंडेलवाल जी, आदरणीय धीरेन गंगवाल साहब और इस मौके पर उपस्थित रोटरी से जुड़े मध्य प्रदेश और राजस्थान से पधारे सभी पदाधिकारीगण और देवियों और सज्जनों, आज राहुल जी की भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ है। मैं उन्हें अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे प्रसन्नता है कि आज दो नए क्लब भी आरंभ हुए हैं, उनका भी शपथ ग्रहण हुआ है। मैं उनकी भी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस मौके पर हमारे शहर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने वाले महानुभावों को सम्मानित किया गया है। मैं अपनी ओर से भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यह भी प्रसन्नता का क्षण है जब रोटरी फाउंडेशन को भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आप सब लोगों ने इकट्ठा करके दिया है। मैं समझता हूँ कि वो मानवीयता की सेवा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करेगा। और विशेष रूप से हमारे ग्वालियर में स्वर्गाश्रम जो संस्था है, वाकई अगर मानव सेवा का कोई उदाहरण देखना है, उन कार्यकर्ताओं के भीतर संवेदना देखना है, दूसरों के प्रति दर्द देखना है, तो इस संस्था में जाकर देखने की आवश्यकता है। उससे निश्चित रूप से हम लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी और अपने जीवन की दिशा बदलने में भी उनका कृत्य मददगार होगा। आज उनको भी 3 लाख रुपए की सहायता दी गई है, इसके लिए भी मैं सभी रोटरियन को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रोटरी क्लब हमारे देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। चाहे जिला हो, चाहे देश हो, सभी जगह रोटरी की अपनी एक सार्थक उपस्थिति है। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों न हो, लेकिन वो एक क्षेत्र में विकसित हो सकता है, उसमें कीर्तिमान भी स्थापित कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार से मनुष्य के सर्वांगीण विकास की कल्पना हमारी संस्कृति और सभ्यता में, संस्कारों में की गई है, वो कई बार देखने में आता है नहीं हो पाता। तो रोटरी जैसे संगठन लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रयत्नों के माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व सर्वांगीण रूप से विकसित हो, इसका एक सदप्रयास जो होता है, मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा काम है और उसका लाभ भी आज समय समय देश में दृष्टिगोचर भी होने लगा है। सामाजिक क्षेत्र में, मानव सेवा के क्षेत्र में, रचनात्मकता के क्षेत्र में,
सामने जो चुनौतियां खड़ी हैं, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे स्वच्छता का हो, चाहे अन्य विषय हमारे सामने हो, ऐसे विषयों पर भी रोटरी का ध्यान बखूबी है और लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से उसकी सहभागिता देश में बनी रहती है, उसका फायदा भी परिलक्षित होता है। विशेष रूप से हम सब जानते हैं कि व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया ये सबसे कठिन प्रक्रिया है। आप एक बड़ी फौज तैयार कर सकते हो, लेकिन सर्वांगीण रूप से निर्मित व्यक्ति तैयार करना ये अत्यंत मुश्किल काम है। 100 पर काम करोगे तो 2-3 उपलब्धि आएगी बमुश्किल, इतना कठिन काम है। लेकिन जो संगठन इस काम को करते हैं, उन संगठनों का देश के लिए और हमारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों के लिए बहुत बड़ा योगदान है, और इस दिशा में रोटरी अपनी भूमिका निर्वाह करता है। इसलिए मैं सभी रोटरियंस को और रोटरियंस के पीछे जो चिंतक हैं, उन सब को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो बड़ी सेवा इस दिशा में कर रहे हैं। राहुल श्रीवास्तव जी की आज ओत हुई है। वैसे तो राहुल श्रीवास्तव जी ने अपने पूज्य पिताजी के सानिध्य में अपने आप को योग्य रूप से निर्माण किया ही है, लेकिन बाद की जिंदगी में समाज का कोई क्षेत्र अधूरा न रहे, कोई क्षेत्र अछूता न रहे, तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न संस्थाओं में, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में अपनी भूमिका का निर्वाह करके एक सार्वभौमिक व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने अपने आप को निर्मित किया है। वो शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम कर रहे हैं, समाज के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। उनका जो चिंतन है वो निश्चित रूप से देशव्यापी है, सर्वांगीण है, और सबको साथ लेकर, सबको साथ लेके विकसित करते हुए आगे बढ़ना, यह उनकी निश्चित रूप से बहुत खूबी है। मैं बहुत बचपन से उन्हें देख रहा हूँ, टीम भावना उनके भीतर जो है उसका ही परिणाम है कि वो जिस संगठन में भी काम करने के लिए जाएंगे, एक बड़ी टीम, एक नई टीम, एक क्षमतावान टीम खड़ा करने में वो निश्चित रूप से सफल हो ही जाएंगे। पिछले दौर में खंडेलवाल जी ने भी अच्छा काम किया, और अब यह दौर राहुल जी के जुम्मे है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी रोटरीज का सहयोग मिलेगा और राहुल जी भी आने वाले कल में कीर्तिमान गढ़ने में सफल होंगे। इस अवसर पर राहुल जी को, नए क्लब के सदस्यों को, उनकी पूरी टीम को और बाकी सभी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सब को इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए, अपनी भागीदारी दर्ज करने के लिए, जो समय आप सब लोगों का इस कार्यक्रम के लिए हुआ है, उसके लिए मैं हृदयपूर्वक आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।